अगर आप बिगर, स्ट्रॉन्गर और हैंडसम दिखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको तीन एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊँगा जो आप करके अपना ये गोल अचीव कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज कौन सी हैं, कैसे करनी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये सारे इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो नए आने वाले बंदों के साथ रिक्वेस्ट है कि डू सब्सक्राइब माई चैनल, अगर वो नए चैनल पर आए हैं और जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं उनके लिए लव यू। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे डेडलिफ्ट। अब डेडलिफ्ट के बारे में तकरीबन हर कोई जानता है। अब डेडलिफ्ट के फायदे क्या है? फर्स्ट, तो सबसे अच्छा इसका बेनिफिट है वो ये है हमारे साथ कि ये हमारे मूड को चेंज करने में बहुत अच्छा, लाइक आप डिप्रेशन में, आप स्ट्रेस में हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी है, जिम में जाएं, डेडलिफ्ट करें, ईच एंड एवरीथिंग खलास खत्म। ओके, सेकंड इसका फायदा जो सबसे बड़ा है डेडलिफ्ट का वो क्या है कि इसमें हमारे बॉडी के ऑल पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हमारे पास लेस टाइम है तो डेडलिफ्ट करके भी हम घर आ सकते हैं। इफ यू डोंट हैव टू मच टाइम, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू दिस थिंग। ओके, इसमें हमारी ट्राइसेप, हमारा बाइसेप का एरिया, शोल्डर का एरिया, लोअर बैक का एरिया, लेग, बैक लेग, हमारी कॉफ, ईच एंड एवरीथिंग हमारे इस ट्रेनिंग में डेडलिफ्ट में इन्वॉल्व होती है और वो स्ट्रांग होती है। ओके, नेक्स्ट इसका क्या फ़ायदा है डेडलिफ्ट का? तो सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका, ये हमारा टेस्टो लेवल को बूस्ट करने में हेल्प करता है, हमारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है, जिससे हम डिफरेंट किस्म की ऑल एक्सरसाइज जो हम लोग करते हैं उनको करने में हमारी हेल्प करता है। और इससे आगे वाले फ़ायदे की बात करते हैं, और सबसे अच्छा फ़ायदा उसमें ये होता है, मोस्टली लोग जिम में ट्रेनिंग करते हैं तो उनका क्या होता है, उनकी ग्रिपिंग पावर नहीं होती। जब कोई वगैरह वेट उठाएंगे, वो डंबल लगाएंगे, तो सर को ये बोलते हैं, सर उफ सर ये क्या हो गया, मेरे हाथ से छूट रहा है बार, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इट्स मीन कि उनकी ग्रिपिंग पावर नहीं है। तो जब आप डेडलिफ्ट करते हैं तो ये आपकी ग्रिप पावर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। आपकी बॉडी के अंदर जो आपके हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन और हार्मोन जो आपके जो बाद में जाके आपकी बॉडी में ग्रोथ का काम करते हैं, उनको ये इंक्रीज कर देता है। और साथ साथ इसका एक और बड़ा फ़ायदा जो आप लोगों को होता है वो ये है कि आपकी फैट लॉस करने में भी हेल्प करता है ये जो डेडलिफ्ट आप करते हैं। अब उसके बाद ये सवाल आता है कि ये कौन बंदे कर सकते हैं, ये जो डेडलिफ्ट है ये हर बंदा डेडलिफ्ट कर सकता है, नो मैटर कि वो किस एज में या किस एज में नहीं है, आप डेडलिफ्ट कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। और आल्सो ये आपकी इंजरी अगर पैर की सामने की थोड़ी बहुत हो जाती है किसी और वजह से, तो आप इस डेडलिफ्ट से, नॉर्मल डेडलिफ्ट से अगर आप गुड एंगल में करें तो आप उस इंजरी को भी ठीक कर सकते हो इस डेडलिफ्ट से। नेक्स्ट अपने एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, वो है स्क्वाट्स। स्क्वाट का जैसे पता है पंजाबी में इसको बैठक लगाना कहते हैं कि बैठक लगाओ। अब बैठक क्या है, बैठक में बात करूँ जिसमें हम कुछ रेपिटेशन करेंगे, 5-6-10 तक जाएंगे या इस तरह हम रेपिटेशन करेंगे, हैवी स्क्वाट करेंगे। अब उसके बेनिफिट क्या है स्क्वाट करने के, मैं आपको बता। लेग्स वर्कआउट का सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल फायदा उसको ये है कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल है उनको बूस्ट करता है। जिस बंदे के अंदर टेस्टो लेवल ज़्यादा है उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली फैट के खिलाफ रेजिस्टेंस करती है और फैट लॉस करने में हेल्प करती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, लेग्स वर्कआउट के दौरान अपनी आप फैट जो है वो ज़्यादा बर्न करते हो, लेग वर्कआउट के दौरान आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है, जिससे डेफिनेटली आपकी फैट भी बर्न होती है। और लेग वर्कआउट का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा, शायद आप लोगों के ही लिए बनी हुई है ये वीडियो, और ये मैं बताते हुए भी थोड़ा मज़ा आ रहा है कि कुछ लोग जब जीन्स वगैरह पहनते हैं, ठीक है, तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे, सॉरी सबसे अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, तो कि जैसे ये देखो यार इसने कपड़े जीन्स पहनी हुई, जैसे वो दीवार के ऊपर सुखाने के लिए डालते हैं ना तार के ऊपर गाँव वगैरह में, या दीवार ऐसे हैंगर पर लगाते हैं, तो देखो पैंट इसको ऐसे लगाई हुई है। तो स्क्वाट से आपको ये भी फ़ायदा था कि आपकी जो ओवरऑल लुक होती है आपके डाउन एरिया की, लेग एरिया की, वो अट्रैक्टिव और सेक्सी लुक हो जाती है। अगर आप जीन्स वगैरह पहनते हैं तो आपके उसमें एक अट्रैक्टिव लुक नज़र आती है कंपैरेटिवली अदर के कुछ बंदों के अपर बॉडी बन जाती है। अब नीचे से देखो तो उनकी टांगें, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। सो इस चीज़ में भी आपकी जो है लेग वर्क में बहुत हेल्प मिलती है कि आपका एटलीस्ट जो आपका डाउन एरिया होता है वो भी अट्रैक्टिव हो जाता है और आपकी जो लुक होती है मोर सेक्सी हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि आप अपर से अगर फिट हैं तो नीचे से भी फिट हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़ देखी जाती है कि बुनियाद कैसी है। बुनियाद किसी चीज़ की अच्छी होती है डेफिनेटली उसका स्ट्रक्चर भी अच्छा ही बनेगा। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जब जिम के अंदर हैवी लिफ्ट करते हैं, बार लगाते हैं, या कुछ इस तरह का बेंच प्रेस करेंगे, या कुछ इस तरह के एक्सरसाइज जो हैवी लिफ्ट करते हैं, तो उनकी टांगें शिवर करती हैं, कांपती हैं।
ये क्या होता है, आपकी जब बुनियाद ही अच्छी नहीं है तो ऊपर ओवरलोड पड़ेगा तो फिर बुनियाद कांपेगी इस तरह से। सो डियर, जो लोग लेग वर्कआउट करते हैं आपने देखा होगा उनका ट्रेनिंग के दौरान या ओवरऑल लाइफ में जो बॉडी बैलेंस होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो आपके बॉडी बैलेंस के लिए लेग्स वर्कआउट एक बहुत ही अहम प्ले करती है, जिसको हम स्क्वाट्स कहते हैं। तो मेन पार्ट है लेग वर्कआउट का। एक और बहुत अच्छा फायदा होता है अगर आप स्क्वाट वगैरह लगाते हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई, आपकी बॉडी की मसल है वो इंक्रीज हो गई, आपके जॉइंट्स स्ट्रांग है, तो आप ज़्यादा फास्ट भाग भी सकते हो और आप लंबे अरसे तक भी लॉन्ग रन भी कर सकते हो। आपने देखा होगा जो लोग लॉन्ग रन में जाते हैं ये वो सपोर्ट के स्क्वाट वगैरह ये वो ज़रूर लगाते हैं, ठीक है, ताकि उनके जो लेग एटलीस्ट वो स्ट्रांग हो जाए। आपने एक और चीज़ देखी होगी, जो बंदे लेग वर्कआउट नहीं करते हैं वो एक अच्छे एथलीट कभी भी नहीं बन पाते हैं, वो एक सिर्फ डमी बन के रह जाते हैं जो कपड़े वाली शॉप के सामने रखे होते हैं। एक अच्छा प्रॉपर एथलीट बनने के लिए आपको लेग्स वर्कआउट करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप दूसरों के तानों का निशाना तो बनते ही हैं, साथ ही साथ आप खुद ही से भी दूसरे मिलाने से कासर होते हैं, क्योंकि आप उस तरह से गोल अचीव नहीं कर पाते हैं जो आपके माइंड में होता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। एक प्रॉपर लुक का के मॉडल फिजिक आप ले सकते ही नहीं है जब तक आप लेग वर्कआउट स्क्वाट वगैरह नहीं करते हो। ये तो हो गए लेग्स वर्कआउट के बेनिफिट। अब हम बात करेंगे हमारा थर्ड जो एक्सरसाइज है चेस्ट, ठीक है, इसमें हम बेंच प्रेस का इन्वॉल्व करते हैं। बेंच प्रेस के बहुत से फ़ायदे हैं, इसको पर्सनली मैंने खुद भी किया और इस एक्सरसाइज से बहुत प्यार आ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर आज मेरा अपर वाइड है तो जस्ट बिकॉज ऑफ बेंच प्रेस, कि मेरी बेंच प्रेस बहुत अच्छा है। अब बेंच प्रेस एक्सरसाइज में क्या होता है, हैवी लिफ्ट हम करते हैं, इससे तो आपकी जो चेस्ट है अपर चेस्ट होगी डाउन चेस्ट होगी सारे, जब आप बेंच प्रेस करते हो, ठीक है, तो इसमें आपने जब नीचे फुल लेके आते हो और फुल लैंगर के साथ स्लो ऊपर लेके जाते हो आपकी ऑटोमेटिकली एक तो चेस्ट जो है वो बड़ी होती है, शेप में आती है और एक अच्छी लुक की आती है, और इसके साथ जो आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। जिस बंदे की ये तीन एक्सरसाइज अच्छी हैं, यहाँ पर उसको अबूर असल है, बैलेंस है, उसको किसी भी किस्म की एक्सरसाइज करने में कोई किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती, उसके आगे वाली बात आप देखो आप नीचे लेके आ रहे हो तो आपके जो शोल्डर है नीचे फुल जाके खींच रहे हैं, दब रहे हैं, खींच रहे हैं, इससे क्या होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट होगी जिससे आपका शोल्डर का एरिया भी आप वाइड हो जाओगे। आपने देखा होगा जो लोग बेंच प्रेस में कतराते हैं या मोस्टली मशीनों का यूज़ करते हैं तो वो ऊपर से इस तरह रह जाते हैं, कभी भी ये शेप में नहीं बन पाते। जो लोग मैनुअल एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली उनकी शेप इस तरह से हो जाती है। अंडरस्टैंड कर रहे होगा मेरी बात को। तो तीन एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये वो लोग भी कर सकते हैं जो लोग जिनके लिए बहुत कम टाइम मिलता है, हफ्ते में दो तीन दिन तीन दिन जाते हैं, तो जाके ये एक्सरसाइज करके वो आ सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपकी फैट बर्न होगी, आपका मेटाबॉलिज्म रेट इससे अप होगा, उसके अलावा आप एक अच्छी हेल्थी लाइफ गुजारेंगे, इंजरी से बच जाएंगे, फुली बॉडी जो आपकी बैलेंस रहेगी, अट्रैक्टिव रहेगी, ठीक है, किसी किस्म की स्ट्रेस ये वो नहीं होगी, क्योंकि ट्रेनिंग करने से स्ट्रेस रिलीफ होती है हमारी 100%, ये आपको पता ही होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनके पास टाइम बहुत कम होते हैं। मुझे ऐसी वीडियो के लिए दुआ में याद रखिएगा और बस अल्लाह दे वाले, टेक केयर।